हेलो फ्रेंड्स, मैं आरके शुक्ला, कात्यायन एकेडमी जो कि भोपाल में स्थित है, आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। टारगेट बैचेस वर्ग तीन के लिए शुरू हो गए हैं। ये मेरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो जो कि 2 मिनट का है। इसके बाद आपको पूरा लेक्चर मिलेगा डेमो का। आप अंत तक वीडियो जरूर देखें, बंद मत कर दें। सिर्फ 2 मिनट का इंट्रोडक्शन है ये मेरा। उसके बाद हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो आपको पूरी मिलेगी, इसी वीडियो के अंत तक जरूर देखें। हमारे यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 रेगुलर 4 आवर बैचेस शुरू हो चुका है। इसकी डेमो क्लासेस आपको डाली जा रही है। मैं मेरे इस इंट्रोडक्शन के 2 मिनट के इंट्रोडक्शन के बाद आपको पूरी क्लास डेमो आप देख सकते हैं। आप पे बहुत सुनहरा अवसर है, इस बार बहुत बड़ी वैकेंसी है आपके निकालने का। आप हमें कॉल करें 9111833119 पर। रिपीट कर रहा हूं, 9111831119। हम आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑनलाइन और नोट्स तीनों उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा बैच आज से 6 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं संक्रांति की छुट्टी मनाने जा रहे हैं, कुछ कहते हैं शादी है, त्योहार है। अब सबसे बड़ा त्योहार होगा जब आपके हाथ में ये नौकरी होगी। तब तक सब कुछ त्याग दो और हमारे साथ लग के जुड़ जाओ। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो कंटिन्यू रहेगी। देखिए मेरा, ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था। वीडियो अंत तक देखिए कि हम किस लेवल तक, किस गहराई तक आपको पढ़ाते हैं। साथ ही हमारे नोट्स, हमने आज जो डेमो स्टार्ट हुए, हम नोट्स डायरेक्टली दे रहे हैं। जैसे कि धुंध स्मॉग क्या होता है, एचडी बॉक्स ने कब बताया धुंध प्रदूषण के बारे में, पर्यावरण संबंधित। तो हर विषय से, चाहे पर्यावरण हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, बाल विकास हो, पेडागॉजी गणित की हो, 2500 क्वेश्चनों की अलग से तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों आप तुरंत जुड़िए और अपनी सीट पक्की करिए। थैंक यू सो मच। घात समय 9 के ऊपर तो क्या आएगा, 1 आंसर लिख लो, नोट करते चलो। केशव प्रसाद, 4 से विभाजित रूल हम इन 0, 1, 5, 4 को हटा के जो अभी संख्या बची हुई उन पे हम अप्लाई करें, 4 का डिवीजन रूल जो अभी हमारा तीसरा नियम है बेटा। क्या लिखोगे, नौ ऐसे लिखो, 9 के ऊपर अगर घात विषम है, पावर विषम है, पावर अगर ऑड है, 9 के ऊपर अगर घात विषम है तो उत्तर हमेशा क्या रहेगा, 9 रहेगा। तो उत्तर हमेशा 9 रहेगा, ठीक है। और अगर 9 के ऊपर घात क्या सम है, इवन है, 9 के ऊपर पावर अगर इवन है तो क्या रहेगा, आंसर 1 रहेगा। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, पहचान लोगे ना, हमेशा ये हमेशा का नियम बेटा, हमेशा 4 का नियम अपना, कुछ भी करो आंसर यही आता है, ये ध्यान रखना। चलो अब हमारा तीसरा नियम थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी तो बहुत मजे चल रहे थे इकाई, वही के वही उतार दिए, वही के वही उतार दिए। अब देखो, अब आई हमारी संख्या बची 2, 3, 4, 7, 8, 8, 7, 8, ठीक है। अब देखो कोई भी संख्या ले लो, देखो मानो 482 ले लो, चलो 4282 धोखा है ना, इन पे क्या लगता है, बाकी संख्या पे लगता है 4 का विभाजित नियम, क्या लगता है 4 का विभाजित नियम। अब देखो इसके ऊपर कुछ भी डाल दो, 178 डाला, चलो 178 डाल दी, ठीक है। तो मुझे क्या मतलब है, इकाई, इकाई मेरा होना चाहिए, इकाई क्या है मेरी, 2, इसे काट दो, मुझे किससे मतलब है, 2 के ऊपर 178 गिवन, ओके। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये तीसरे नियम में आ रहा है तो मुझे 4 से इसको भाग देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, 4 से भाग निकालना पड़ेगा। अब देखो 4 से भाग देने का मतलब होता है, यस, 4 से भाग देने का मतलब होता है अगर किसी भी संख्या की पीछे की 2 संख्या कट जाए तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाती है,
किसी भी पहाड़े में अगर 400 पीछे 200 के कट रही है तो पूरी कट जाती है। फिर हुआ मैं पूरी उसे शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा इसको। अब देखो तो ये 78 कट रहा है क्या, ये बताओ। 4 1 4 कितना आया, 3 आता है नहीं आता। 4 9 36 होता, नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा। 4 9 36 होता है, 2 आ गया। यानी अगर हम इसमें माइनस कर दें हम तो वो कट जाएगा। मतलब अगर ये क्या होता, 76 होता तो कट जाता, मतलब नीचे का 2 है। देख समझ में आया नहीं, 76 कट जाता, 76। तो देखो जो बचा तो इसमें क्या करोगे तुम, आप लोग ये नहीं कटा, कितना कटेगा 176 कटेगा, नहीं कटेगा ये तो मान लो 76 कट रहा है ना भाई 4 से, हम कितना पीछे आएंगे, 78 से 77, 77 से 76, 2 पीछे आएंगे। तो क्या करोगे तुम, यहां पर मल्टीप्लाई 2 पर 2 लगा दो। क्या लगाओगे, 2 पे 2, क्योंकि जो तुम्हारा आखिरी बच रहा है तुम तो ये देख के चलो उसमें कितना लगा दिया, आखिरी कितना था, 2 पे 2 लगा दिया। क्योंकि देखो बात क्या होता है, बचपन पढ़ते आ रहे हैं ऐसा क्या होता है, देखो सुनो मैंने उसको फैक्टर कर दिया, मेरी बात को बहुत डिफिकल्ट नहीं है, समझोगे आज ही टेस्ट भी देना है आज ही। सुनो देखो हम करते थे अगर आधार सेम है, ये बात ये देखो ये 4 है ये 2 है, तो हम क्या करते थे, घात जुड़ जाती थी, 4 + 2 होती थी, नहीं होती थी, आया ना। तो मैं ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर जाऊंगा तो ये संख्या ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इसको मैं तोड़ तो सकता हूं, नहीं समझ में आया भाई। देखो 2 पे 5 मतलब होता है 32, आया ना। अब मैं इसे अगर 2 पे 3 लिखूं और 2 पे 2 लिखूं तो जोड़ूंगा तभी 2 पे 5 हो रहा है, मतलब तो वही आएगा। लेकिन अगर मैं, मुझे 32 लाना है, अगर मैं, लेकिन मैं अगर यहाँ पे 2 पे 3 और 2 पे 3 लगूंगा तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 64, तो वो तो संख्या बदल गई ना। तो मैंने वही चीज यहां पर करी, मैंने क्या किया यहां पर अभी कि जो ये संख्या थी आपकी, ठीक है, मैंने देखा कि मैंने सारी संख्या हटा दी, 2 पे 4 लगाया, मैंने देखा पीछे की संख्या, यहां हो सकता था बहुत सारा दे दें, 2 3 4 5 6 दे दें, तो मैंने क्या देखा यहां पर, मैंने देखा कि यहां पर दो चीजें, 1 2 1 2 बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पहले इस पे ध्यान दो, कुछ भी मत लिखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज कुछ भी मत लिखो, समझ में आ रहा है इससे बेसिक में क्या समझा। सुनो 78 है, अगर यहाँ 6 तो चला जाता, कुछ नहीं करना था, 78 गया नहीं, 78 / 4 मैंने किया तो ये 2 बच रहा था मेरा, तो 2 इस जितना पीछे जाऊंगा, मतलब 176 जा रहा है, 178 ऐसे कर लो, 177, 1 2 2 आ गया। तो मैंने क्या करी, जो यहां पर है ऐसे 2 ही लिखना, या 3 होता तो मैं 3 पे 2 लिखता, या 4 होता तो 4 ही लिखता, 4 का 2 लिखता, क्योंकि उसी का फैक्टर है ना ये, तो बेटा अभी करोगे तो 4 का 2, ठीक है। अब चलो ठीक है, ये हो गया, अब इसका मुझे कोई भी लेना देना नहीं, ये हो गया। अब इसके ऊपर आ गया 4, मैंने इसमें से मतलब 4 खींच दिया, तो यहां क्या बचा ऊपर, अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन डिफिकल्ट होता नहीं है, वही चीज घूमती रहती है। देखो मेरे पास संख्या थी 2 पे 178, ठीक है बेटा। अब मैंने 4, इसमें से 4 मुझे यहाँ पे लगाना होता है ऊपर, खींचूंगा ये पूरा तो कटेगा नहीं, पूरा काटने के लिए मुझे यहाँ पर भी 2 पे 2 लगा दूंगा, 176 जा रही से 2 पे 2 लगा, 2 पीछे जा रही है संख्या, तो अब ये क्या हो गई, अब ये हो गई 176। तो 4 तो निकल आया, बस अब मुझे कुछ नहीं कर, अब मुझे कुछ नहीं कर, मतलब इतना ईजी है। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो अब इसको 2 को 4 बार गुणा करना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 को 2 बार, आया ना। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, आया ना। फिर आखिरी अंक उठा लो, मुझे ये करना है, इससे तो मतलब ही नहीं, करोगे तभी कर लो, लेकिन बात आंसर वही आएगा, 6 चौक कितना होता है, 24, यह आया 24, ये इसका इकाई आंसर आ गया, 4 इसका आंसर, जो पहले ही बच्चे ने दे दिया था, इस चीज़ और क्या। चलो कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, तो बोलोगे 12 घंटे
मुझे नौकरी लगा नहीं है, 12 घंटे बोलोगे 12 घंटे पढ़ने को तैयार है। चलो सुनो ये करके बताओ, टू आप भी ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ जल्दी से, 2 4 8 1 1 3 फटाफट बताओ, चलो करो करो, ऑनलाइन स्टूडेंट आंसर दो। मुकेश पटेल इसका शॉर्टकट ही बता रखा है, ये तो देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। मुझे इन बच्चों को एक एक चीज बतानी पड़ रही है, ये तो देखते ही बिना पेन कलम उठाए ये सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन पता तो होना चाहिए, पहला दूसरा नियम तो वैसे ही था फर्जी, कुछ था ही नहीं। 0 1 5 6 वो उतार के रख दो, 9 का फर्जी क्या था, ऊपर अगर विषम संख्या दी हुई है तो 9 आंसर है, सम दिए तो 1, ये 4 का कुछ करना ही नहीं है इसमें भी, ये भी ओरली हो जाते क्वेश्चन। करो 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 बेटा करो करो, कोई इशू नहीं। देखो अब देखो, पहले देखो पहली स्टेप, स्टेप 1 बिल्कुल बेसिक से कराना जरूरी। देखो स्टेप 1 मुझे इकाई अंक कितना है पहले ये बताओ। चलो 8 है, आगे का आग लगा दो, ये लगा दी मैंने आग, बची कितनी 8, 113, उसे मत देखो। पहली स्टेप तो यही अजमानी है तुम्हें, आग लगाने वाली पहली फर्स्ट स्टेप, ठीक है। 8 लिख लिया, वो लिख लिया, ठीक है बेटा। बच्चों के आंसर भी आ, देखते किसका सही है, मुकेश का सही है या सर्वेश का सही है, देखते 8 आ गया। अब देखो अब नियम 4 का ही है, सब में 4 4 चलेगा, तो मुझे 8 पर पहले ही लगा दिया करो 4, लो मैं लगा दी। जो तीसरा नियम है तो 8 पे 4 पहले ही डाल दे करो, 3 पे 4 2 होती, 2 पे 4 7 पे 4 लगा दिया 8 पे 4। अब देखो 4 का भाग इसमें देंगे, 13 तो जाएगा ही नहीं, आखिरी संख्या देख लो 2, 13 है, 4 के पहाड़े में 13 आता है नहीं आता, बड़ा 4 4 4 4 12 आता है, 12 होता तो कटता, तो कितने पीछे आए, 1 नीचे 1 बचेगा, डिवाइड करोगे भाई 4 3 12 1 एक ही तो पीछे आए, तो गुणा यहां पे क्या लिखूंगा, नीचे 8 ही लिखूंगा क्योंकि इसी का फैक्टर कर रहा हूं ना मैं, तो यहां क्या लिखोगे, वहां बताया था 3 तो 3 2 तो यहां क्या लिखूंगा 8, 8 के ऊपर क्या लिखूंगा 1, 8 के ऊपर क्या लिखूंगा 1, क्योंकि 1 वहां 2 बचा था, यहां 1 बचा, बस हो गया काम खत्म। अब देखो 8 × 8 × 8 × 8 गुणा इसका 8, अब देखो क्या करो, सुनो सुनो मेरी बात, इजी सुनो, 8 8 या 64 ऐसे करा करो, 8 64 64 का आखिरी क्या है 4, वेरी गुड। यहां देखो ये 64 ये 64 ये एक 8 है, 4 4 उठा लो, 4 4 से कितना होता है 16, भैया 4 4 16 तो होता है 4 16, आखिरी क्या है 6 6 उठा लो, ये 8 है, 8 6 से कितना होता है 48, 8 आंसर। यानी इस हिसाब से ललिता सही है, केशव सही है, सर्वेश सही है, मुकेश गलत है आपका। केशव प्रसाद वशिष जी पैडक आप बहुत लेट ज्वाइन करा है, हमने पहले ही बताया हुआ है पैडक होगी कल चलेगी, आज नहीं चलेगी। लाला साउंड में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं देख लेता हूँ, हमारी टीम लगी रहती है, साउंड में दिक्कत आ रही है क्या, थोड़ा देखो क्लियर आ रही है, फिर आप अपना देखो नेटवर्क में नहीं हो गए, आप देखते रहे चेक करते रहना, साउंड आए तो बताना, साउंड क्लियर चल रही है बेटा सभी को, है ना। 8 अभी भी नहीं आया बिटिया, पक्का बता, इसी बात पे करके बता, 2 8 8 करके बताओ, सभी आंसर देंगे ऑनलाइन स्टूडेंट भी, 7 2 9 आंसर बताओ। पहली स्टेप आग लगाना हटा दो, आंसर 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 बताइए मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर। एक बच्चे का सबसे पहले आंसर आया है केशव का, केशव तुम्हारा गलत क्यों आ रहा है आंसर, गलत
चलो देखते किसका गलत है। पहले ये सबका सही था, देखता हूं मैं अभी। पहले कुछ और बच्चों का भी आंसर है, सभी को करना है बेटा, जितने ऑनलाइन है देखो, नहीं यूट्यूब वीडियो नहीं है ये जो मजे से देख रहे हो, ये क्लास है। सभी का आठ आठ आंसर आ रहा है, वेरी गुड, यानी सही होगा फिर तो सभी का, इतने बच्चे तो ना गलत लिखेंगे। आठ आ गया, नहीं आया तुम्हारा? दिखाओ, देखो तुम उधर देखो, चलो उधर दिखा दूं। देखो पहले हमें इसको हटा दो, ओरल होते हैं, आठ हटाया, ये तीसरा नहीं है, मतलब चार लगा दो, अब सेवन है तो 28 जाता है भाई। देखो सात चौक क्या होता है, नौ तक पहाड़े तो याद करने पड़ेंगे यार, सात चौक 28, तो एक ही तो पीछे आएगा या सभी आएगा बताओ, एक ही पीछे आएगा ना, तो एक ही क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूं, पहले नीचे बताओ क्या लिखूंगा, जो यहाँ पर है वो यहाँ आएगा, आठ ऊपर क्या लिखूंगा, क्यों एक ही कम है ना भाई, 29 तो 28 से ज्यादा, वन बचेगा नीचे, वन। अब देखो ये लिख लिया, इसका मतलब क्या है, ऐसे मल्टीप्लाई मत कर देना, 8 4 32, ये मत कर देना, आठ 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 गुणा आठ, 8 8 64, 8 8 16, 16 64 48, 48 आठ आंसर आ गया। देखो तुम बेटा सुन लो, देखो 8 8 कितना होता है 64, 8 8 60 64 आठ, ठीक है, 4 4 जा 16, ये 6 और 8 का गुणा करो क्या होगा, आठ आंसर, वेरी गुड, सभी का सही है, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। ये केशव का गलत था, दो लिखा था पहले केशव ने, मेरा आंसर आठ सही है, वेरी गुड। अभी आया, अभी समझ में आ रहा है पक्का, चलो करें आगे करें पक्का, चलो ठीक है। एक एक और बता दो, फिर थोड़ा क्वेश्चन चेंज करूंगा मैं, एक और बता दो फिर मैं क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन के आंसर होता था, 5 7 8 9 2 1 1 8 7 3, एक और ये वही क्वेश्चन होगा, 7 1। दो के क्वेश्चन के मुझे आंसर फटाफट बता दो, ऑनलाइन स्टूडेंट दोनों के मुझे आंसर चाहिए, जो भी दिए मैंने आपको आप ही लगा के बताएं, दोनों के आंसर इकट्ठे देना। अच्छा पहले का दो है दूसरे का सात है, चलिए देखते हैं, काफी बच्चों का आ रहा है सेवन और वो टू, देखते हैं पहले का आपका बना पहला क्या, कितना है, दो है आपका, आएगा नहीं आपका, आया दुनिया तो ना करना है, तुम्हारा आ गया हमारा आ गया, क्यों नहीं आया, देखो फिर से देखो, फिर से देखो नहीं सुन जाएगा, देखो दो का नियम हटा दो, ऊपर लगा दो चार, लगा नहीं लगाना है लेकिन पहले दूसरे नियम में ही लगाना, दो तीन हाँ चार लगा दिया, अब देखो अब 73 तो कटेगा नहीं, 72 कटेगा, कैसे कटेगा, 72 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 3 रह गया, 4 8 जा 32, एक ही बचा, तो ठीक है देखो, तो यहाँ कितना है, देखो दो पे चार
गुणा यहां क्या लिखोगे, यहां क्या लिखोगे, टू यहां लिखोगे, जो यहां वही तो लिखोगे, या ऊपर क्या लिखोगे, वन आया ना। अब देखो कितना आ रहा है, टू टू जो फोर, फोर सिक्सटीन, सिक्स आया, यहां टू है, ट्वेल्व, दो आंसर, सेवन है, वेरी गुड, सही है, शाबाश, वेरी गुड। ये समझ में आया, इसको हटा दो, चार लगाना ही है, तीन पे चार डालो, हाँ, ग्यारह में जाएगा नहीं, दस में जाएगा नहीं, नौ में जाएगा, दो बचे, दो कम में जा रहा है, तो तीन पे दो डाल दो उधर, तीन पे चार तो यही है, इसका चार से भाग देंगे तो ये उससे, देखो चार चार जाएगा नहीं, दस जाएगा नहीं जाएगा, नौ जाएगा नहीं जाएगा, आठ जाएगा ना, तो कितना आ रहा है, तीन आ रहा है, देखो ऐसे करके देख लो, करो चार का भाग आखिरी में एफ डालो, देखो ये ना ग्यारह है ना, चार फोर थ्री जा फोर टू जा एट, एट आया, ट्वेल्व तो बड़ा हो जाता, ग्यारह में साठ के कितना बचा, तीन, तीन है बस, तो यहाँ लिखो तीन पे तीन लिख दो, तो हो ही गया, तीन पे कितना लिखोगे, तीन, क्यों, क्योंकि तीन में पीछे गया है, अब चार को तीन को चार बार गुणा करना है, उधर करो तीन बार, हाँ तृतीय नाइन, नाइन और नाइन एट्टी वन, इक्यासी होता है, नाइन और लिख लो तृतीय नाइन, उधर थ्री एक और बचा हुआ है, नाइन नाइन जा एट्टी वन, वन लिखो, वन लिखो बस, एक से आखिरी से काम चलाना हमें, तो यहाँ भी लिखो, ये कितना, क्यों, नाइन नाइन जा एट्टी वन तो ये हुआ ना, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन नाइन एट्टी वन, ये थ्री थ्री नाइन ही है ना, पर वन क्यों लिख रहे हो, नाइन थ्री और कितना ट्वेंटी सेवन होता है ना, सेवन लिखोगे ना, तो वहां का सात लिख लो, यहाँ का वन और सेवन, सेवन, अरे वाह आया, उधर का आखिरी का लिखना है हमें, हमें वो नहीं करना है एकदम से कि वो, वेरी गुड ऑसम है ना, तो ये क्लियर हुआ आपका। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस चेंज करते हैं, अब क्या होता है, ये नहीं होता, अगर एक ही बार में चला जाए तो फिर क्या करोगे, तो कुछ भी नहीं करते, छोड़ देते हैं, मानो यहाँ पे लिखा है टू थ्री फोर, यहाँ लिखा हुआ है टू टू एट एट, ठीक है, चार का नियम है तो चार तो लगेगा ही लगेगा, वो तो लगना ही है चार, अब ये तो एक ही बार में कट गया, फोर टू जा एट, फोर टू जा एट आया ना, तो बस खत्म, इधर कुछ नहीं बनाएंगे, मल्टीप्लाई किसी का नहीं करेंगे, ये एक ही बार में कट गया, नहीं कट गया तो यहां कुछ नहीं आएगा, तो उधर पैसे कट जाएगा, चार का अब चार चार का चार बार ही करें, समझ में आया, करके दो, ऐसे नहीं समझ में आएगा, करो जल्दी फटा, एक और दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये बताओ फटाफट करके, तो टू थ्री सेवन थ्री, पूरा कट गया था तो वहां पे कुछ हम फैक्टर बनाएंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं फैक्टर बनाने की, कुछ नहीं करना, छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, वो जाएगा ही नहीं, इधर ही हो जाएगा, आइए बताओ, टू थ्री सेवन थ्री, फोर टू फोर फोर, ये बनाओ, फाइव सेवन नाइन सिक्स एट, फाइव सिक्स सेवन सिक्स, हाँ तो काटो करो बस खत्म, तो गुणा तो करोगे, गुणा तो करोगे, बच्चों के आंसर आ गए, दोनों के अलग अलग आंसर आए, एक का सिक्स, एक का सिक्स, एक का एट, अक्षिता नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, इसमें वीडियो नहीं आ रहा होगा शायद, आपको नेटवर्क कनेक्शन देखना होगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग में भी डल जाएगी, तो रिकॉर्डिंग में आप कई बार देख सकते हो, वीडियो सही चल रही है, आवाज सही चल रही है ना, फिर आवाज नहीं होती, चलिए मैं साइड चेंज कर रहा हूँ, दो मिनट आपको होल्ड रखना पड़ेगा, अभी आवाज क्लियर आ रही है ना, कुछ बच्चों का फोर आया है, कुछ बच्चों का एट आया है, कुछ बच्चों का कुछ आया है, बताओ जल्दी से आंसर, एक का वन आया है विकास का,
हमारा भी बना रहा है, विकास पहले सिक्स आया था, वन आ गया, चलिए आंसर चेंज कर दिया, चलो देखते हैं। देखो सही है, आप सही है, देखो ये काट दिया, सुन लो, चार तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि चार के भाग नियम में आ रहा है, ये लगा दिया चार, ठीक है। आप फोर का देखेंगे, मैंने आके फोर बन जाओ, फोर फोर कट गई ना, पूरी पूरी कट गई ना, फोर फोर तो हमें कुछ लेने की जरूरत है उधर की तरफ, उधर कुछ ही लोगे, तुमने क्यों लगाया कुछ ही छुपा रहे, देख ली मैंने, उधर कुछ ही छुपाना, उधर कुछ लिखना ही नहीं है, उधर कुछ नहीं आएगा, वो पूरा कट गया ना। देखो अगर नहीं कटता यहाँ होता 45 वन तो यहाँ पे लिखते, तीन पे एक लिख देते, तीन पे या कुछ, पूरा चला गया ना, फोर रुजा एट, फोर टू फोर रुजा फोर, तो कोई हो गया, हमारे बचा तीन पे चार बस, यही यही वाला बचा, उधर लिखा ही नहीं हमने, तो क्या होगा, थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, नाइन 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 जो 81, वन आंसर, वन आंसर है, पहले वाले का वन आंसर है, जिन्होंने लिखा था फोर सिक्स वो गलत था बेटा, नहीं दीपक, पहले वाले का वन आंसर है, पहले वाले का वन आंसर है बेटा, हाँ बताओ, देखो वही तो मैं कह रहा, तुमने कहा था समझ में आ गया, मैं जानता था नहीं आएगा, देखो भाई ये बचा तीन पे मैंने चार लगाया, ऊपर संख्या है फोर टू फोर फोर, आया ना, हम यहाँ भाग देते थे, देखो पहले है ना थ्री से, पहले ये देखो थ्री पे देखा, फोर से दिया वन और वन या जीरो, तो यहाँ कुछ लेंगे ही नहीं, अब अच्छा दूसरा वाला नहीं आया, ये वाला कौन सा वाला नहीं आया, ये ना देखो थ्री थ्री जा क्या है नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन जा 81, इकाई अंक कौन सा होगा, तो आंसर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया था है ना, अब दूसरे का आंसर, ठीक है अब देखो इसे काट दिया मैं, तुम्हारा एक नंबर पक्का हो गया, नंबर 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं, नहीं बेटा पहले का वन है आंसर, देखो अब देखो ये आया, अब देखो आठ पे क्या लगाया चार लगेगा ना, तीसरा नियम है, अब ये कट रहा है 76 चार से एक बार में, अरे ऐसे करके देखा करो 76 कट रहा है या नहीं कट रहा, फोर क्यों नहीं देखो सही, फोर बन जाओ फोर, कटेगा ना नौ बार, चार तीन आया, फोर नाइन 36 कट गया, नहीं कट जीरो बचा, तो इसका भी उधर कुछ ही जाएगा, तो क्या लोगे आठ को सिर्फ चार बार गुणा कर दोगे, 88 या 64, 88 या 64, 64 का चार ले लो, छह आंसर आ गया, क्या है आपका दूसरे का छह है ना आंसर, हाँ सेकंड सही है 106, ललिता मैंने करा तो है बेटा आप देख लो ना, किसका नहीं आया ललिता बताओ जल्दी बताओ, मैं फिर से करके बता दूंगा, ललिता आंसर बताओ किसका नहीं आया, पहला करके बताओ दूसरा लिख दो बस, पहले का या दूसरे का करके बताओ, आया अभी आपको कोई डाउट तो नहीं है, ओके कुछ क्वेश्चन मैं देखता हूँ, ललिता आंसर, ललिता सारे आंसर आ गए आपको, नहीं आया तो पूछ लो, चलो क्लियर है, अब हम करेंगे दो दो के, अब ये बढ़ेगा दो दो के, आज खत्म कर लो, अभी कर लोगे टेस्ट होगा, देखूंगा मैं कितना करते हो, देख सकते तो ये क्वेश्चन हो गए, ललिता को बता देना जो नहीं आया मैं दोबारा कर दूंगा, सेकंड वाली अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला क्या था क्वेश्चन, क्या था सेकंड वाला, आखिरी दो आखिरी में आठ था ना, ऊपर पावर क्या थी 5 6 7 6, लेकिन देखो हमारा आठ था, ठीक है आठ मतलब तीसरा नियम, तो आठ पे हमें लगाया बेटा चार, वो तो लगाना ही लगाना है, अब ये देखो ये संख्या चार से कट रही है नहीं कट रही, तो आखिरी दो संख्या अगर चार से कट जाएगी तो पूरी संख्या चार से कट जाएगी, आठ में तीन का आ जाता है, चलो तो 76 लिखो, चार से भाग दे दो, मैं तो बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ बिटिया, तीन आया छह उतरेगा नहीं उतरेगा, 4 9 36, तो ये जीरो बचा, यानी पूरी संख्या ये चार से कट जाएगी, कट जाएगी, तो यहाँ कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है हमें, अगर ये यहाँ पर होता 7 7 तो आखिरी में बच जाता एक, तो यहाँ ले लेते आठ पे एक, यहाँ बचता अगर भाग में दो तो आठ पे लेते दो, भाग देने पे बचता तीन तो यहाँ लेते हम आठ पे तीन, यहाँ कुछ बचा ही नहीं,
तो ये हम लेंगे ही नहीं, हमारे पास रहेगा 8 पे 4, तो 8 का गुणा 4 बार करना है, ठीक है। अब हमें इकाई, तो 8 8 या कितना होता है 64, 8 8 या 64, अब 64 का 64 से गुना करोगे समय खराब होगा, हमें इकाई अंक से मतलब है। तो मैंने क्या किया, 4 और इस 4 का गुणा कर दिया इकाई अंक से, 64 64 करोगे तभी बात वही होगी, टाइम ज्यादा लगेगा। तो 4 का 4 से करो कितना होगा 16, 16 का इकाई अंक क्या आएगा 6, ये हो गया हमारा आंसर। आया ललिता तो बता देना मुझे, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम थोड़े से आगे चलते हैं, क्वेश्चंस हैं कुछ, ये मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया था। ओके अब हम कुछ क्वेश्चंस मैं देखता हूँ, मैथ्स के जिस तरीके के परीक्षा में और आए भी हैं। अब देखिए, देखिए अब आते हैं हमारे 2 3 3 3, मैं 5 क्वेश्चन करके बता दो बस, 708, 545, 608, 122 गुणा 904, ये एक ही लाइन है पूरी, गुणा 218, एक ही लाइन है पूरी, 708 गुणा 545 गुणा 608 गुणा 122 गुणा 904 गुणा 218, एक क्वेश्चन, इकाई अंक बताना है इसका भी। दूसरा क्वेश्चन, 123966, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करा रहा हूं बस, ये कर दिया तुम्हारा, आप लोगों का हो गया 213 16 गुणा 522 का 20, 218 का 32, सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर दूंगा, जिनको नहीं आ रहे कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व भी कर दूंगा सारे का। ये तीनों का आंसर मुझे इकट्ठा बताओ, एक एक करके मत डालो बेटा, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आपने किसका आंसर बताया है किसका आंसर नहीं बताया है। अगर आप एक एक करके आंसर बताओगे ज्यादा बेहतर रहेगा। तीनों के इकट्ठे आंसर चाहिए मुझे, दीपक का आ गया है आंसर बेटा, फोर्थ तो क्वेश्चन नहीं है विकास, दीपक का आंसर आ गया है आखिरी का 6, बिल्कुल सही है दीपक तुम्हारा, आखिरी का 6 बिल्कुल सही है दीपक आपका। हाँ बोलो,
सेकेंड वाले क्या है? वन, ओके, और फर्स्ट वाले का जीरो, और थर्ड वाले का एट गलत है, थर्ड वाले का एट गलत है, मैंने भी आंसर बताया था, थर्ड वाले का आंसर आ रहा है छः, दीपक का सही है, आंसर छः है, थर्ड वाले का आंसर छः है, दूसरे वाले का एक है, सिक्स आंसर है, चलो मैं कर देता हूं ललिता, कोई बात नहीं, हम आपको बताने के तत्पर बैठे हुए हैं, आए आपके, कोई भी नहीं आया, चलो देखे, देखो देखो सुनो सुनो, ये तीन टाइप के क्वेश्चन है जो परीक्षा में आते, इससे टफ नहीं आएगा, और अगर आपको आज ही आ गए हैं तो आपके नंबर पक्के हो जाते हैं आपके एग्जाम में, दो नंबर तो पक्के मान के चलो। देखो पहला सबसे इजी है, हमें इकाई अंक पता लगना है, इकाई अंक क्या होता है, पहले का आठ, दूसरे का पांच, तीसरे का आठ, उसका दो, इसका चार, इसका आठ, अब गुणा करो, एट फाइव जा 40, आया ना, ये आया 40, एट टू जा 16, ये आया 16, यस और नो, यहां तक, और फोर एट जा 32, ये आया 32, यस और नो। अब देखो इकाई अंक दो, छह और शून्य, शून्य का डिवाइड किसी में भी करोगे आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ये हो गया, ठीक है ना, अभी भी नहीं आया, तो पूरा पूरा ही लिखा मैंने 40 का गुणा, तो बात तो वही आएगी, आखिरी का जीरो ही आएगा, लिख लो, नोट कर लो, सभी का हम करेंगे तो दो का करें, आप नोट करते चलो तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, मैथ्स का मेरा टाइमिंग खत्म होता है, सोचो हम पढ़ रहे हैं तो हमें तो ऐसा लग रहा है कितना पढ़ना है ना बाकी है, कहीं कोचिंग दो ढाई घंटे पढ़ाते कोर्स कैसे खत्म हो सकता है, जब कोर्स खत्म नहीं होगा तो तुम निकालोगे कैसे, वर्ग एक वाले भी देंगे, वर्ग दो वाले भी देंगे, वर्ग तीन वाले तो देंगे ही देंगे, जिन्हें वर्ग बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, 17,000 वैकेंसी बहुत होती है, तो समय ज़्यादा देना जरूरी है। हम भी लाइव डेमो सर आज और कल दे रहे हैं, उसको लाइव डेमो नहीं होगा, जो भी डेमो के लिए मांगे हम सिर्फ लिंक फॉरवर्ड करेंगे, ये वाला जो आज की रिकॉर्डिंग है वही देखेंगे बच्चे, आज ही हम लाइव दे रहे हैं बच्चों से, अरे हमारा बैच परसों से एकदम सिस्टमेटिक शुरू हो जाए, आया भाई जीरो आखिरी में, जीरो का तो थोड़ा जीरो ही करेंगे भाई, चलो ठीक है। अब देखो ये वाला दूसरा, अब दूसरे में क्या है कहानी, मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूँ, देखो देखो अब मैंने बताया था नौ, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये चार का नियम ही नहीं है तो क्यों नहीं किया तुमने, अब चार विषम है, सम संख्या ही है, सम है ना भैया, इवन है ना, तो आंसर क्या आएगा, वन, ये तो आंख बंद करके हो गया, ठीक है भाई नौ था, कुछ करने ही नहीं है, चलो ठीक है। अब आते तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में आप ऐसे लिख लो, देखो तीन पे 16, दो पे 20 और आठ पे 32, ठीक है आठ पे 32 कर लो। अब देखो ये तीन का नियम है, चार लगाओगे ये तो कट गया, देखो फोर फोर 16 तो कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं, जोड़ा आया ना, फोर फाइव 20 इसका जोड़ा बनाने की जरूरत नहीं, चार ले लो, इसका भी ले लो चार, ये भी कट गया, कुछ करना ही नहीं, तो कितना है 3 × 3 × 3 × 3, इसका हुआ 3×3 9 और 9×9 81, वन ले लू मैं इसका आखिरी का वन। अब देखो ये 2×2 = 4, 4×2 = 8, 8×2 = 16 का छह ले लू, छह ले लिया, इधर ले लो 8×8 = 64, 4 आया, 4×4 = 16, 16 क्या आएगा 6, यहाँ आ गया 6, 6×6 कितना होता है 36 का 6, 6 हो गया आपका आंसर, क्लियर हुआ नहीं हुआ, यस और नो, ठीक है 9 नहीं है बेटा उसका, 1 आंसर है, चलो वेरी गुड, तो मैथ्स का टाइम हमारा हो जाता है अभी चीज का, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पक्का बताओ आ रहा है, ओके ठीक है, तो इसको हम अभी यहीं पे रोक